हेलो बच्चों, जैसे कि आपको पता है इस चैनल पे मैं आपको PIMHSP 2023 के लिए एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करा रही हूँ। तो आज हम लोग देखते हैं इसके PYQ। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं आपको इसमें साइंस पढ़ाने वाली हूँ। साइंस के कुछ टॉपिक्स हैं जो कि मैंने पहली वीडियोज में डिस्कस किए हैं, आपके साथ सिलेबस भी डिस्कस है ऑलरेडी। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज कुछ PYQ क्वेश्चन, क्योंकि आपको पता होगा ये एग्जाम ऑनली 2022 में हुआ था पहले, और ये सेकंड राउंड है इस एग्जाम का 2023 का। तो सबसे पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से पहले मेरा मानना है कि एक बार PYQ, जैसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते पूछे जा रहे हैं, उनको एक बार देख लिया जाए, जिससे आपको आइडिया लग जाए कि किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स भी देखे मैंने कि किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे उसके बिहाफ में थे। तो देखते हैं आज कि कैसे क्वेश्चंस ऑलरेडी आ चुके हैं 2022 के एग्जाम। तो समथिंग उससे हार्ड क्वेश्चन या फिर उससे लमसम आपको एक आइडिया लग जाएगा कि 2023 का एग्जाम कैसा होने वाला है। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज साइंस के क्वेश्चन, जो कि पास्ट ईयर क्वेश्चन है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, फर्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा को जब कॉपर सल्फेट के घोल से प्रभावित किया जाता है तो वह निम्नलिखित में से विच्छेद हो जाती है, मतलब किस किस चीजों में टूट जाती है। कॉपर सल्फेट जो है, कॉपर सल्फेट, जैसा कि आपको दिख रहा है, कॉपर सल्फेट जो है विद्युत धारा प्रभावित होते ही किस किस में विच्छेद हो जाती है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन राइट है, कॉपर प्लस सल्फेट। क्या है? कॉपर प्लस सल्फेट। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, बिल्कुल नॉर्मल टू सिंपल। अब देखते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन, पढ़ते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन को, क्या है? पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ लोगों को सलाह देती है कि गाड़ी चलाते समय निम्नलिखित सावधानियां करें जिससे पेट्रोल डीजल कम खर्च हो। तो जैसे कि पेट्रोलियम का संरक्षण अनुसंधान संघ है, पूरा कमेटी है लोगों की, तो उन्होंने क्या क्या एडवाइजरी नोटिस किया है कि आपका पेट्रोल और जो डीजल है वो कम खर्च हो, कम लगे। देखते हैं, गाड़ी को सदैव तेज गति से चलाएं, फर्स्ट ऑप्शन ये है। सेकेंड है, जहां आपको प्रतीक्षा करनी हो गाड़ी का इंजन बंद कर दीजिए, टायरों का दाब हमेशा कम रखिए, मतलब प्रेशर उनमें कम होना चाहिए, जहां तक संभव हो गाड़ी को समान और मध्यम गति से चलाएं, मतलब नॉर्मल टू स्पीड चलाएं। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुना है, इसमें क्या चुनना है? सही विकल्प चुनना है। तो देखते हैं सही विकल्प क्या है और किससे देखना है, सावधानियां बतानी है। पेट्रोल और डीजल कम खर्च होनी चाहिए, मतलब कम लगनी चाहिए। तो अगर आप गाड़ी को सदैव तेज गति पर चलाएंगे, सबसे फास्ट स्पीड पर चलाएंगे, तो आपका पेट्रोल डीजल ऑब्वियस सी बात है ज्यादा खर्च होगा, एक्सीडेंट के भी चांसेस है। तो ऐसा ही ऐसा कोई क्यों लिखेगा आपने उसमें, जहां आपको प्रतीक्षा करनी हो गाड़ी का इंजन बंद कर दीजिए। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है आपका, सेकंड वाला। टायरों का दाब हमेशा कम रखिए, ये भी सही ऑप्शन है दोस्तों, तो प्रेशर थोड़ा कम होना चाहिए जिससे वो फट ना जाए। जहाँ तक संभव हो गाड़ी को समान और मध्यम गति से चलाएं, ये भी बिल्कुल सही ऑप्शन है कि जहाँ तक आपको लग रहा है नॉर्मल टू द बिलो टू द नॉर्मल स्पीड पर गाड़ी को चलाइए। तो बी सी एंड डी, तो ऐसा ऑप्शन क्या दिख रहा है आपको? थर्ड वाला ऑप्शन। क्या है? बी सी एंड डी। बी सी डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 33 नंबर का, तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है। निम्नलिखित में से बल से संबंधित सही कथन पहचानिए, मतलब आपको बल से रिलेटेड, फोर्स से रिलेटेड आपको ट्रू ट्रू चीजें देखनी है। देखते हैं, पढ़ते हैं। सबसे पहले आपको ऑप्शंस देखनी है, पहले क्वेश्चन पढ़ लिया, फिर ऑप्शंस पे जाइए। फोर ऑप्शंस हैं आपके पास, लाइंस लिखी हुई है, तो फिर देखते हैं कि इसमें सही सही करेक्ट आंसर क्या है। बल के उपयोग से वस्तु का आकार नहीं बदला जा सकता, बल के द्वारा किसी वस्तु को स्थिर अवस्था से गतिशील अवस्था में लाया जा सकता है, बल के द्वारा गतिशील वस्तु की दिशा में परिवर्तन नहीं लाया जा सकता, बल किसी भी गतिशील वस्तु की चाल को बदल सकता है। अब इसमें क्या पूछा गया है? राइट आंसर पूछा गया, तो देखते हैं राइट आंसर क्या है। मैं एक और बार समझा रही हूँ आपको, एक्सप्लेन करके। बल के उपयोग से वस्तु का आकार नहीं बदला जा सकता, मतलब ये बोल रहा है कि बल के उपयोग से जो भी कोई आपका सब्सटेंस है, जो भी आपका कोई मटेरियल है, अगर आप उसको फोर्स लगाएंगे, बल लगाएंगे, तो उसका शेप एंड साइज नहीं बदला जा सकता। तो ये गलत बोल रहा है, क्योंकि हम उसका शेप चेंज कर सकते हैं। आपने देखा होगा, अगर अपन बलून है, एक बलून को अगर प्रेस करेंगे तो वो छोटा हो जाएगा, उसमें अपनी फिंगर्स के निशान हो जाएंगे, तो अपन उसका साइज एंड शेप चेंज कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है, ये ऑप्शन रॉन्ग है,
ये ऑप्शन नहीं होना चाहिए। पढ़ते हैं सेकेंड वाला, बी बी नंबर का, बल के द्वारा किसी वस्तु को स्थिर अवस्था से गतिशील अवस्था में लाया जा सकता है। तो ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है बच्चों। बोल रहा है बल फोर्स के द्वारा कोई भी चीज अगर स्थिर है, स्थिर मतलब मैं बता देती हूँ आपको, स्क्रीन पे देखिए, अगर किसी चीज में फोर्स पड़ा, अगर ये बॉक्स है, ओके बॉक्स का है, मैं ये रेस्ट में, अगर मैंने इसको यहाँ से धक्का लगाया, जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, मैंने इसको यहाँ से फोर्स लगाया, कहाँ से फोर्स लगाया मैंने इसको, यहाँ से फोर्स लगाया, तो ये चल के कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, तो इसकी क्या हुई, डिस्प्लेसमेंट हो गया, एक जगह से दूसरी जगह ये मूव फॉरवर्ड कर गया, आगे की तरफ मूवमेंट हो गया। तो ये किसके द्वारा हुआ, फोर्स के द्वारा। अगर मानो कि फोर्स ही ना लगा हो, अगर एक बॉक्स यहाँ रखा है, फोर्स नहीं लगा उस पर, तो बॉक्स यहीं की यहीं रखा रहेगा। अगर मैं इसे यहाँ से यहाँ तक फोर्स लगाऊंगी, मैंने पीछे से धक्का दिया किसी आगे वाले पर्सन को, तभी तो वो आगे और ज्यादा गिरेगा, कोई स्टेबल खड़ा हुआ है, अगर कोई से धक्का नहीं दे रहा तो खड़ा ही रहेगा नॉर्मली। तो ये किसका इफेक्ट है, फोर्स का, किसका इफेक्ट है, फोर्स का। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अब देखते हैं सी नंबर का क्या बोल रहा है, सी नंबर जो ऑप्शन है वो क्या बोल रहा है। बल के द्वारा गतिशील वस्तु की दिशा में परिवर्तन नहीं लाया जा सकता। बोल रहा है फोर्स के द्वारा कोई भी चीज चल रही है, कोई भी चीज गतिशील है मतलब चल रही है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है, डायरेक्शन बिल्कुल चेंज हो सकती है, कैसे देखते हैं। अगर कोई पर्स ऐसे कोई बॉक्स रखा हो, ओके अगर मैं उसको यहाँ से फोर्स लगाऊं और एक यहाँ से, जैसे कि आपको दिख रहा है, अगर मैंने सीधे हॉरिजॉन्टली फोर्स लगाया, हॉरिजॉन्टली फोर्स लगाया, तो ये कहाँ आके रुकेगा, यहाँ जितना फोर्स दिया गया वो उतना रुकेगा। बट मैंने इसको अगर टेढ़े में फोर्स लगाया एक एंगल पर, यहाँ से धक्का लगाया, तो ये कहाँ जाके गिरेगा, इस तरफ, तो इसका डायरेक्शन चेंज हो गया कि नहीं हो गया, डायरेक्शन चेंजेस और नॉट, यस बिल्कुल चेंजेस। तो ये ऑप्शन भी गलत है। बोल रहा है दिशा में परिवर्तन नहीं लाया जा सकता, बिल्कुल लाया जा सकता है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। डी डी पढ़ते हैं, बल किसी भी गतिशील वस्तु की चाल को बदल सकता है। ये भी मैंने आपको अभी बताया था, अगर कोई पर्सन धीरे धीरे चल रहा है, उसको जोर से आगे पीछे से हवा का धक्का लगे, या फिर किसी अगर किसी का बस से एक्सीडेंट हो या मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हो, तो उसका चाल बदल जाएगी, उसकी स्पीड उतने ही ज्यादा आगे गिरेगा, राइट। तो इसका ये वाला ऑप्शन भी बिल्कुल राइट है। और देखते हैं बी एंड डी राइट बोल रहा है। अब नीचे क्या दे रहा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए, राइट। तो आपको नीचे दिए गए जो भी ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से राइट ऑप्शन को चूज करना है। तो बी एंड डी, तो क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन, ओके क्या हो जाएगा, सेकेंड, सेकेंड ऑप्शन इज द राइट, केवल बी एंड डी। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 34 नंबर, 34 नंबर इज द मैचिंग है। जैसे कि आपको पता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है और आपको MR फिल करने को आएगी, तो ऑब्जेक्टिव टाइप में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आ जाएंगे, आपके मैचिंग्स भी आ जाएंगे, कुछ ट्रू फॉल्स भी आ सकते हैं। और जैसा कि आपको पता है NT ले रहा है पेपर, तो assertion reason, मैं अभी आपको assertion reason की भी प्रैक्टिस कराने वाली हूँ। assertion reason PYQs में आए हैं, तो हो सकता है इस साल भी पूछे जाए, और बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन होते हैं assertion reason के, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होते हैं assertion reason। तो देखते हैं, ये तो चुटकियों का खेल है, assertion reason तो बहुत ज्यादा सिंपल होते हैं, सबसे ज्यादा मुझे लगता है सिंपल असर्शन रीजन ही होते हैं, क्योंकि उसमें कॉन्सेप्ट चेकिंग होती है बस, आपकी एक लाइन दी गई होगी, नीचे उसका एक्सप्लेनेशन होगा। देखते हैं आगे कैसे करते हैं इन क्वेश्चनों को एकदम बिल्कुल ट्रिकी वे में, ओके। तो बने रहिए मेरे साथ इस पूरी वीडियो में। असर्शन रीजन समथिंग इसमें 8 to 9 असर्शन रीजन है, तो देखते हैं कैसे इसको बिल्कुल एकदम चुटकियों में क्लियर कर देते हैं। सूची 1 एंड सूची 2 से मिलान कीजिए, मतलब मैचिंग में आपको पता होगा ए ए कॉलम दिया जाता है, इधर बी कॉलम, तो उससे अपन को मैच कर, देखते हैं। लुईस पाश्चर, एडवर्ड जेनर, रॉबर्ट कोच, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ये आपको पता होगा सारे साइंटिस्ट हैं। सूची 2 में देखिए, एंथ्रेक्स, किडवन, पेनिसिलिन, चेचक का टीका। अब इसको आपको देखना है कि कौन से किससे मैच हो रही है। तो जैसा कि आपको पता ही होगा, सबसे पहले आपको मैचिंग में एक ट्रिक लगाना है कि आपको जो जो चीजें पता है उस पर पहले टिक कर लीजिए, आधे से ज्यादा 50% ऑप्शन तो आपको वैसे ही क्लियर हो गया। अगर आपको ये क्वेश्चन छोड़ के भी आना है कि आपको समझ ही नहीं आ रहा है एडवर्ड जेनर ने क्या किया था, मैंने तो पढ़ा ही नहीं है, रॉबर्ट कोच का क्या है मुझे तो पता ही नहीं है, आपको एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, लुईस पाश्चर, ये दोनों तो पता ही है, तो इन दोनों से
50% मतलब दो ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए हैं, हट गए हैं, और दो ऑप्शन आपके पास पता है, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। अगर दो ऑप्शन में से भी आपने एक ऑप्शन को टिक किया, गलत हुआ, आप छोड़ तो वैसे भी रहे थे क्वेश्चन को, गलत हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं, सही हो गया तो आपको एक मार्क्स मिल जाएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो देखते हैं, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग क्या है? बी का थर्ड। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किया था? पेनिसिलिन की खोज की थी, राइट। हम डी का थर्ड, अब पहले ऑप्शन में देखिए डी का थर्ड किस किस में है, तो आपको दिख रहा होगा डी का थर्ड इसमें भी है और इसमें भी है, मतलब ए फर्स्ट वाला और फोर्थ वाला तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। सबसे पहली बात तो यही है, फर्स्ट और फोर्थ पर तो जाना ही नहीं है, अब सेकंड और थर्ड पे जाना है अपने को। अब देखते हैं एडवर्ड जेनर, एडवर्ड जेनर ने क्या किया है? एडवर्ड जेनर ने किया था एंथ्रेक्स, एडवर्ड जेनर ने एंथ्रेक्स यूज किया। एडवर्ड जेनर क्या किया है? एंथ्रेक्स, तो इस पे लगा दिया एंथ्रेक्स, मतलब बी का फर्स्ट। अब बी का फर्स्ट देखते हैं, बी का फर्स्ट, बी का फर्स्ट, एक सेकेंड दोस्तों, बी का फर्स्ट तो नहीं है इसमें, तो ये अपना कुछ गड़बड़ है यहाँ। सी का, ए का, सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन देखना है, तो फर्स्ट एंड फोर्थ को तो मैं यहाँ से हटा दिया है, फर्स्ट और फोर्थ पर आपका ध्यान ही ना जाए, इसलिए आपको एग्जाम में भी ऐसे ही करना है, फर्स्ट एंड फोर्थ पर ध्यान ही नहीं देना। अब देखते हैं चेचक का टीका। हाँ, एडवर्ड जेनर ने क्या किया था? चेचक का टीका, चेचक मतलब चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, बड़ी माता, छोटी माता, अगर आपने सुनी हो, चेचक वही होती है, चेचक के टीके लगते हैं, वैक्सीनाइजेशन होता है उनका, जिन्हें अपन इंग्लिश में बोलते हैं स्मॉल पॉक्स एंड चिकन पॉक्स। इसकी खोज किसने की? एडवर्ड जेनर। तो बी का आ गया फोर्थ, ओके, बी का फोर्थ आ गया। अब बी का फोर्थ इसमें भी है, इसमें भी है, लुईस पाश्चर। अब अपन को दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, और दोनों में ही उसने, एग्जामिनर ने आपके साथ ट्रिक आजमाई है कि डी का अगर थर्ड ढूंढ लिया तो बी का फोर्थ दोनों में दे रहा है। अब फिर से ऑप्शन में कंफ्यूजन के, सेकंड लगाएं कि थर्ड लगाएं, अब देखेंगे लुईस पाश्चर। लुईस पाश्चर ने क्या किया? लुईस पाश्चर ने एंथ्रेक्स की खोज की। लुईस पाश्चर ने क्या किया था? एंथ्रेक्स की खोज की। तो ए का वन, अब ए का वन किस में है? सेकेंड ऑप्शन में। अब तो आपको सी पे जाना ही नहीं है, रॉबर्ट कोच के बारे में अपने को पढ़ना ही नहीं है, सेकेंड ऑप्शन को लगा के आगे बढ़ जाएंगे। किसको लगा के बढ़ जाएंगे? सेकेंड ऑप्शन को लगा के बढ़ जाएंगे, सेकेंड इज द राइट आंसर, सेकेंड इज द राइट आंसर। ओके बच्चों, ऐसी मैचिंग की क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी बनने वाले हैं। अब मैचिंग में इसमें थोड़ा सा ट्रिकी था कि आपको सेकंड ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन में दो दो ऑप्शन सेम है, वैसे ज़्यादातर आता नहीं है, बड़े बड़े एग्जाम्स में मैंने नहीं देखा, एक ही ऑप्शन से डायरेक्ट एलिमिनेट हो जाता है। अभी अपन 34 क्वेश्चन डिस्कस किया था, करेंगे 35 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित ग्रहों को उनकी सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में लिखें, मतलब सूर्य से वो कितना कितना दूर है बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। ओके देखते हैं, तो सबसे पहले क्या आएगा? निम्नलिखित ग्रहों की उनकी सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में लिखिए। ओके, बृहस्पति दे रहा है, पृथ्वी अपनी अर्थ, शुक्र दे रहा है और शनि दे रहा है। तो जैसा कि आपको पता है शनि सबसे ज्यादा दूर है सूर्य से, शनि सबसे लास्ट में आता है, सबसे फर्स्ट पे आता है शुक्र, सबसे फर्स्ट पे, मैं यहाँ पर नंबरिंग डाल देती हूँ, सबसे फर्स्ट पे आता है शुक्र, उसके बाद आती है अपनी अर्थ, अर्थ के बाद आता है बृहस्पति, जुपिटर, और फिर आता है अपना सैटर्न मतलब शनि। तो इसका ऑप्शन आप देखिए, अब 1 2 3 4 डाल दिया, अब देखते हैं 1 पे क्या है? शुक्र, मतलब सी ऑप्शन, सी ऑप्शन फोर्थ में जा रहा है, ठीक है, फोर्थ में सी ऑप्शन जा रहा है। सेकेंड नंबर पे पृथ्वी, मतलब बी ऑप्शन, तो सी बी, सी बी। अब मैंने बताया था ऑप्शन एलिमिनेट करना है सबसे पहले एग्जाम में, तो सी एंड बी फर्स्ट में भी आ रहा है, दीदी सेकंड फोर्थ में भी आ रहा है, तो अब कैसे लगाएंगे? ओके देखते हैं, सी एंड बी मतलब दो ऑप्शन फिर से एलिमिनेट होगा, सेकंड वाला नहीं होगा, थर्ड वाला नहीं होगा, फर्स्ट एंड फोर्थ में से देखना है। तो अभी देखते हैं अपन पृथ्वी का देख लिया, अब बृहस्पति पे आ जाइए, बृहस्पति मतलब ए ऑप्शन, तो इट इज द राइट ऑप्शन, फोर्थ इज द राइट ऑप्शन, फोर्थ को लगा के आप अपनी वर्णमाला में फिल करके आगे चलिए। 35 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अब अपन। थर्टी सिक्स नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें फिर से एक मैचिंग दी गई है, सूची एक और सूची दो से मिलान कीजिए, सूची एक और सूची दो, ओके, तो थायरोक्सिन, इंसुलिन, एड्रिनलिन, वृद्धि हार्मोन, गॉइटर, तनाव,
पीयूष ग्रंथि को बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। जो भी इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हैं, मैं आपको इंग्लिश में भी बताती जा रही हूँ, तो प्लीज इस चीज का मेरे को ना करें कि हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं तो हिंदी में समझाइए। सबकी ऑप्शन एक ही है, जो चीज हिंदी मीडियम है वो इंग्लिश मीडियम है। थायरोक्सिन है, अब किसी ने थायरोक्सिन लिख दिया है, अपन इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हैं, THYRO, यानी थायरोक्सिन, थायरोक्सिन हार्मोन। इंसुलिन को इन लोगों ने इंसुलिन लिख दिया, अपन INSULIN पढ़ेंगे तो अपन को समझ में तो आ रहा है ना। अभी अपन लोगों ने जैसे कि 35 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट किया, जैसे ही अपन 36 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट करेंगे। इसमें भी अगेन मैचिंग है, मैचिंग के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल होते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन एलिमिनेटिंग के क्वेश्चन है। थायरोक्सिन, इंसुलिन, एड्रेनलिन, वृद्धि हार्मोन मतलब ग्रोथ हार्मोन, गॉइटर, तनाव, स्ट्रेस, पीयूष ग्रंथि मतलब इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स बोलेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड, मधुमेह मतलब डायबिटीज। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए हिंदी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन हिंदी मीडियम में भी पूछे जा सकते हैं। जैसे कि गॉइटर, अब आपको GOITER लिख के गॉइटर लिख देगा, तो आपको समझना चाहिए उस चीज़ को कि अपन इंग्लिश वाले भी हिंदी में कैसे पढ़ सकते हैं। और हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स से भी मेरी यही अपील है कि आप प्लीज़ थोड़ा थोड़ा करके इंग्लिश को भी समझने का ट्राई कीजिए, कि जैसे कि कुछ कुछ वर्ड्स हैं, क्योंकि बायोलॉजी के वर्ड्स हैं, सारे साइंटिस्ट वाले वर्ड हैं, साइंस से रिलेटेड हैं, तो आपको इसको इंग्लिश में भी थोड़ा थोड़ा कन्वर्ट करके अपनी कॉपी में जो भी आप नोट्स बनाते हैं, जैसे आपने गॉइटर लिखा तो आप प्लीज़ उसका साइड से एक ब्रैकेट बना के इंग्लिश इंग्लिश वर्ड भी लिखें, थोड़ा थोड़ा करके इंग्लिश तरफ भी आए, क्योंकि आगे जाके आपको इंग्लिश मीडियम भी ज़्यादा प्रेफर करना पड़ेगा। और हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को इंग्लिश आना कंपलसरी है, बिकॉज आगे की जनरेशन इंग्लिश के बिना नहीं है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन पर अगेन वापस चलते हैं। थायरॉइड, जैसे कि आपको पता होगा इंसुलिन, इंसुलिन क्या होता है, डायबिटीज में वर्क होता है। क्या होता है? डायबिटीज। तो बी का फोर, अभी इस क्वेश्चन को एलिमिनेट करते हैं। बी का फोर कहीं दे रहा है क्या? बी का फोर सेकंड में दे रहा है और फोर्थ में दे रहा है। ओके, तो दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, फर्स्ट वाला भी नहीं होगा हमारा और थर्ड वाला भी नहीं होगा, कैंसिल कर दो इनको। अब अपन देखते हैं एड्रेनलिन, एड्रेनलिन हार्मोन कैसा होता है। एड्रेनलिन हार्मोन अगर किसने पढ़ा है तो एड्रेनलिन हार्मोन होता है स्ट्रेस, स्ट्रेस के लिए काम करता है। अगर एड्रेनलिन हार्मोन आपके में बढ़ जाएगा अपनी बॉडी में, तो आपको स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सारे फियर, फाइट फियर, ऐसे FFF करके एक वर्ड होता है बायोलॉजी में, फियर, फ्लाइट एंड फाइट, एड्रेनलिन हार्मोन इस चीज में वर्क करता है। तो सी का सेकंड ऑप्शन, तो सी का सेकंड ऑप्शन सेकंड वाले में भी है एंड फोर्थ वाले में भी है, तो फिर से एलिमिनेट नहीं हो रहा है। अब क्या किया जाए? अब अपन को फर्स्ट वाला और फोर्थ वाला देखना ही पड़ेगा। इसे थायरोक्सिन एंड वृद्धि हार्मोन, वृद्धि हार्मोन किस चीज का होता है? पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड आपको 8th एंड 7th में ये सारी चीजें याद ही करनी होगी हॉर्मोन्स के बारे में, जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड बढ़ते 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 आपकी वृद्धि हार्मोन में चेंज होने लगती है। और थायरोक्सिन, थायरोक्सिन ये थायराइड ग्लैंड से निकलता है, जिससे कि आपको गॉइटर डिजीज होती है। ए का फर्स्ट एंड डी का थर्ड, ए का फर्स्ट एंड डी का थर्ड, इट्स सेकेंड इज द राइट ऑप्शन। अब अपन देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर में फिर से अगेन मैचिंग है, मैंने आपको बताया एग्जाम आपका समथिंग 1 आवर या 1 आवर 50 मिनट का जैसा भी है, तो आपको प्लीज 25 मिनट तो बचा के ही चलना है, क्योंकि आप उसका रिवीजन कर पाए, आप एग्जाम को देख पाए अगेन कि एग्जाम में कोई क्वेश्चन हम लोगों ने छोड़ा तो नहीं है। अपन देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन में है जुताई, बुवाई, कटाई, थ्रेशिंग, सीड ड्रिल, कॉम्बाइन, हल एंड दरांती। अब देखते हैं ये एग्रीकल्चर फील्ड से, प्रॉपर क्रॉप प्रोडक्शन से है, क्रॉप प्रोडक्शन से ये पूरे क्वेश्चन से आपके, जुताई, बुवाई, कटाई, थ्रेशिंग, सीड ड्रिल, कॉम्बाइन, हल, दरांती। ओके, देखते हैं। तो जुताई किससे की जाती है? हल से। ओके, तो ए का हो गया थर्ड। अब अपन इसमें भी एलिमिनेट करने का ट्राई करते हैं। ए का थर्ड, ए का थर्ड, मैंने आपको बताया 50% ऑप्शन आपके इसी चीज़ से एलिमिनेट हो सकते हैं। ए का थर्ड हो गया। अब बुवाई के लिए देखते हैं, बुवाई के लिए क्या होता है? सीड ड्रिल, मतलब बुवाई में सीड मतलब जो भी आपके बीज हैं उनको बोना होता है, बोना, बोइंग कैसे? सीड ड्रिल। तो ये तो सिंपल है, बी का फर्स्ट, तो बी का फर्स्ट फर्स्ट में भी है, सेकेंड में भी है। अब देखते हैं कटाई, कटाई किससे होगी? दरांती से।
यस, कटाई किससे होती है? दरांती। तो सी का आएगा फोर्थ, एंड थ्रेशिंग किससे होगी? कॉम्बाइन, थ्रेशिंग का कॉम्बाइन। ना डी का टू, डी का टू एंड सी का फोर्थ, इट इज द राइट ऑप्शन। अब अपन देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन, देख लिया। अब देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके कारण द्वारा संगमरमर का कैंसर होता है? अब देखते हैं संगमरमर का कैंसर कैसा होता है। तो वाहनों का धुआं, या फिर अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा मतलब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए एसिड रेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन मतलब CF, धूम कोहरा। इसका राइट ऑप्शन जाएगा अम्लीय वर्षा, एसिड रेन की वजह से संगमरमर कैंसर होता है। 39 क्वेश्चन देखते हैं, 39 नंबर का। भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भागों की पहचान हो सके क्या कहलाता है? मतलब भ्रूण की वह अवस्था बतानी है जिसमें सारे आपके बॉडी ऑर्गन्स दिख पाए, पहचान हो पाए, आइडेंटिफिकेशन कर पाए कि ये इसका हैंड है, ये इसका लेग है, ये इसका ब्रेन है, ये इसका थोरेसिक रीजन है, कौन सा वाला होता है? देखते हैं अवस्था क्या है। अंडा, मादा युग्म, युग्मित एंड गर्भ। तो इसका फोर्थ ऑप्शन राइट है, गर्भ। देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किसके लिए साइकिलों तथा स्वचालित वाहनों की ब्रेक प्रणाली में ब्रेक पैडों का उपयोग किया जाता है? किस चीज के लिए ब्रेक का यूज किया जाता है? तो घर्षण को बढ़ाने के लिए, किस चीज को? फ्रिक्शन को फास्ट करने के लिए। तो जैसा कि आपने 8th क्लास में जो फ्रिक्शन वाला मोशन एंड फ्रिक्शन का चैप्टर है, तो उसमें ये आपने पढ़ा होगा कि फ्रिक्शन कैसे कैसे वर्क करता है। घर्षण को बढ़ाने के लिए मतलब फ्रिक्शन इंक्रीज करने के लिए, फ्रिक्शन जैसे इंक्रीज हो जाएगा वैसे ही आप तो अगर ब्रेक लगाएंगे तो वो ब्रेक फ्रिक्शन इंक्रीज कर देगा और वहीं की वहीं आपकी साइकिल जो है, और जैसे ही आपकी मोटरसाइकिल है वो रुक जाए। तो अपन बात करते हैं 41 नंबर क्वेश्चन। 41 नंबर क्वेश्चन इज दैट, वन्य जीवन पौधों एवं जंतु संसाधनों और उस क्षेत्र के आदिवासियों के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन हेतु विशाल संरक्षित क्षेत्र को क्या कहते हैं? मतलब ऐसा ऐसा एरिया जिसमें वन्य जीवन हो, मतलब फॉरेस्ट एरिया हो, प्लांट्स हो, जंतु मतलब एनिमल्स भी हो, संसाधनों और उस क्षेत्र के आदिवासियों के, मतलब उस क्षेत्र में जो ट्राइब्स रीजन है, ट्राइबल लोग वाग हैं, जो भी ट्राइब रीजन होते हैं, जैसे कि ट्राइब रीजन में ऐसे बोल सकते हैं जो वन्य लोग हैं, जो फॉरेस्ट वाले लोग हैं, जो ट्राइब्स हैं, वो वहाँ रहते हो, तो इस चीज़ के लिए अलग से एक स्पेशल एरिया बना रखा है हर एक स्टेट में, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, मतलब ये रिजर्व होते हैं, जैव बायोडाइवर्सिटी रिजर्व एरिया। अब देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। नीचे दो कथन दिए गए हैं, मैंने जैसा कि आपको बताया था पहले, असेसन रीजन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जैसे कि आपका कॉम्पिटिशन का एग्जाम है ये यशस्वी वाला, तो इसमें असेसन रीजन पूछे जाएंगे, और एग्जाम NTA ले रहा है तो जरूर पूछेगा, सिंपल होते हैं, ज़्यादा कुछ हेडेक लेने की जरूरत नहीं है इसमें। तो नीचे दो, बस आपको अच्छे से पढ़ना है, नीचे दो कथन दिए गए हैं मतलब दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, मैं आपको इंग्लिश में भी बता रही हूँ, तो कोई भी इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट बच्चे ये कमेंट ना करें कि आप इंग्लिश में समझाइए, मैं इंग्लिश में भी बोलती जा रही हूँ प्रॉपर। कथन फर्स्ट मतलब स्टेटमेंट फर्स्ट, सजीव कोशिका के समग्र संघटक को जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म के नाम से जाना जाता है, और जीव द्रव्य में कोशिका द्रव्य और केंद्रिका द्रव्य दोनों सम्मिलित होते हैं। मैं आपको इसमें इंग्लिश में समझाती हूँ, सजीव कोशिका मतलब जो लिविंग लिविंग सेल है उसमें समग्र संघटक को जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म के नाम से जाना, जिसमें प्रॉपर लिविंग सेल है, आपने सेल वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ा है, तो सेल वाले चैप्टर में तो हमेशा से क्वेश्चन आते रहे हैं, देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है। तो लिविंग सेल में जो द्रव्य होता है, जो उसका लिविंग प्रोटोप्लाज्म है, लिविंग फ्लूइड है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म किससे बना होता है? कोशिका द्रव्य मतलब साइटोप्लाज्म एंड केंद्रिका द्रव्य मतलब न्यूक्लियोप्लाज्म। जैसा कि मैंने आपको बताया था, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को भी इंग्लिश पे ध्यान देना है, तो मैं इंग्लिश बोलती जा रही हूँ, अगर उनसे हो सके तो प्लीज समझने का ट्राई करें। तो प्रोटोप्लाज्म मतलब जीव द्रव लिविंग सेल का जो फ्लूइड है, उसमें क्या क्या आता है? कोशिका द्रव, एक तो साइटोप्लाज्म आता है, और केंद्रिका द्रव मतलब न्यूक्लियोप्लाज्म।
इन दोनों को सम्मिलित करेंगे, अगर इन दोनों को मैशअप कर देंगे तो क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म। तो ये दोनों बिल्कुल सही ऑप्शन है। अब देखते हैं क्या बोल रहा है। उपरोक्त कथन के आलोक में, मतलब इन दोनों कथन के बिहाफ में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। बिल्कुल, तो कथन एक और दो दोनों सत्य हैं, बिल्कुल सही बात है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट। बट ऐसा नहीं करना एग्जाम में, फर्स्ट ऑप्शन पढ़ के टिक नहीं कर देना हमेशा, औरों को भी पढ़ना है। कथन एक और दो दोनों असत्य हैं, बिल्कुल नहीं है। कथन एक सत्य है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन दूसरा कथन असत्य है, बट ये रॉन्ग है। और फर्स्ट वाला सत्य है, लेकिन कथन सेकंड सत्य है, ये भी रॉन्ग। तो आइए देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। कुछ बच्चों को ये पेपर बहुत ज्यादा सिंपल लग रहा होगा, फिर भी उन्होंने 8th क्लास को अच्छे से पढ़ा है, 7th को भी अच्छे से पढ़ा है। कुछ बच्चों को टफ लग रहा होगा, तो कोई बात नहीं, अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस से अपन सीख लेंगे सारी चीजों को। निम्नलिखित में से विद्युत लेपन से संबंधित उपयुक्त कथन चुनिए। लोहे की सतह पर जस्ते मतलब जिंक का लेपन उसे संचारित होने से बचाता है। विद्युत लेपन एक बहुत महंगी प्रक्रिया है, जो कि उद्योगों में बहुत कम प्रयोग लाए जाते हैं। बिल्कुल गलत है, बी ऑप्शन इज रॉन्ग। क्रोमियम का लेपन गहनों में किया जाता है, बिल्कुल नहीं किया जाता, क्रोमियम का ज्वेलरी में कोई वर्क नहीं है। लोहे के डिब्बों का टिन से लेपन करके, मतलब जो लोहे के आयरन जो बॉक्स होते हैं आपके, अगर आप उसको टिन की कोटिंग कर देंगे, आपने अगर आयरन रस्टिंग पड़ी होगी तो आपको इस क्वेश्चन का जवाब देने में बिल्कुल भी मिनट भी नहीं लगेगी। लोहे के डिब्बों का टिन से लेपन करके उन्हें खाने के भंडारण के लिए उपयोग किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अब देखते हैं इसमें डी ऑप्शन किस किस में आ रहा है। तो डी ऑप्शन इसमें आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, थर्ड में भी आ रहा है, फोर्थ में भी आ रहा है, पर बी और सी नहीं आने चाहिए। तो बी और सी नहीं आने चाहिए, इसमें भी बी नहीं आना चाहिए। सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि मैं आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन बता रही हूँ। लोहे की सतह पर जस्ते मतलब जिंक का लेपन उसे संचारित होने से बताता है। अगर आपको जिंक की कोटिंग पड़ी हो आपने, जिंक एंड टिन, लेड की टिन अलग होता है, सॉरी टी एन करके होता है और जेड एन का होता है जे। ओके, तो ये सेकंड वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि लोहे के डिब्बों को अगर आपको रस्टिंग से बचाना है तो उनके ऊपर आप टिन की कोटिंग कर दीजिए, और लोहे की सतह पर अगर आपको आयरन को बचाना है तो आपको उसको जिंक जेड एन जिंक से लेपन कर देना है, इससे वो बच पाए। अभी अपन लोगों ने कौन सा वाला क्वेश्चन पढ़ा है, 43। अब अपन पढ़ेंगे 44। नीचे दो कथन दिए गए हैं, अशर्शन रीजन अगेन आ गया आपके लिए, देखते हैं क्या है। मुर्गी में आंतरिक निषेचन होता है, आंतरिक निषेचन मतलब इंटरनल फर्टिलाइजेशन। मैंने इस प्रॉपर वीडियो भी बनाया, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज उस वीडियो को देख लीजिएगा। मैंने आप उसमें समझाया फर्टिलाइजेशन के बारे में, ये रिप्रोडक्शन का चैप्टर है, रिप्रोडक्शन चैप्टर मैंने अच्छे से समझा दिया है, हो सकता है उससे भी और भी क्वेश्चंस निकल के आ जाएं। तो समथिंग 30-45 मिनट्स लगेंगे आपको पूरे चैप्टर को कवर करने में, पर आपको उससे एक या दो क्वेश्चन जरूर मिलेंगे इस एग्जाम में। देखते हैं इस क्वेश्चन का जवाब हम उस वाले लेक्चर से निकाल सकते हैं या नहीं, चलिए पढ़ते हैं। मुर्गी में आंतरिक निषेचन होता है, कठोर कवच के पूर्ण रूप से बनने से पहले मुर्गी अंडे का निर्मोचन करती है, बिल्कुल नहीं करती, मैंने इसमें अच्छे समझाया आपको, नहीं करती। जब तक अगर एग में से एग को वो फर्टिलाइज नहीं करेगी, अपने गर्माहट से उसे फोड़ेगी नहीं, तब तक वो कैसे कर सकती है। कठोर कवच के पूर्ण रूप से बनने से पहले, उस कवर से बनने से पहले ही क्या वो फर्टिलाइजेशन कर सकती है, नहीं कर सकती। और मुर्गी में आंतरिक निषेचन होता है, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो ए इज द राइट एंड आर इज द रॉन्ग। अब अपन को इसमें नीचे सिलेक्ट अच्छे से करना है। ए एंड आर दोनों सत्य हैं, नहीं है। ए एंड आर दोनों सत्य हैं, ये भी नहीं है। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, बिल्कुल सही ऑप्शन है। थर्ड नंबर इज द ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब अपन देखेंगे 45 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से अधातु को पानी के अंदर रखा जाता है, मतलब कौन सा नॉन मेटल ऐसा है जो कि पानी के अंदर रखा जाए, क्योंकि अगर वो ऐसा क्यों है ये भी बात आती है, यहाँ क्वेश्चन आ भी सकता है।
ऐसा क्यों है? असेसन रीजन में बन क्या सकता है? और ए बी सी डी, फिर मैंने जैसे आपको क्वेश्चन पहले कराए, अधातु को मतलब नॉन मेटल को पानी के अंदर क्यों रखा जाता है? क्योंकि अगर वो बाहर आ जाएगा, बाहर उसको एयर में रख देंगे ऑक्सीजन के रिएक्शन से, आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़े हुए हैं सारे क्वेश्चन केमिकल रिएक्शन एंड कम्बशन में, बैलेंसिंग रिएक्शन करना। नॉन मेटल को अगर अपन हवा में रख देंगे तो वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या करेगा? आग फायर कर देगा। तो देखते हैं ऐसे कौन से नॉन मेटल हैं जिनको वाटर के अंडर रखा जाएगा। सल्फर, सल्फर को नहीं रखते, गंधक होता है, नहीं। आयोडीन नो, कार्बन नो, फॉस्फोरस, फॉस्फोरस इज द राइट ऑप्शन, फॉस्फोरस इज द नॉन मेटल एंड फॉस्फोरस इज द राइट ऑप्शन, फॉस्फोरस इज द राइट ऑप्शन। और अपन देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन। देखिए असेसन रीजन कितने ज्यादा आ रहे हैं। असेसन रीजन मैंने आपको कम से कम 5 to 6 असेसन रीजन करा दिए, तो मैंने आपको बताया था 8 to 9 असेसन रीजन का वेटेज है साइंस में, और हो सकता है एसएसटी में भी असेसन रीजन बने, जीके में भी बन सकते हैं। कि असेसन रीजन में बच्चे सबसे ज्यादा फंसते हैं, क्वेश्चन भी गलत उनके यही होते हैं, कि समझ नहीं पाते, दोनों एक जैसे लगते हैं, दोनों में राइट ऑप्शन के आगे चले जाते हैं, बट ऐसा नहीं है। ध्वनि पानी में संचारित हो सकती है, ध्वनि पानी में संचारित हो सकती है, क्या अपन पानी के अंदर जाएंगे और फिर अपनी साउंड आ सकती है उसमें? देखते हैं। ध्वनि का संचरण निर्वात में तेज होता है। अब इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स कहेंगे निर्वात क्या होता है, व्हाट इज निर्वात? तो निर्वात होता है एयर वैक्यूम, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए एयर वैक्यूम मतलब जहाँ वैक्यूम हो, बिल्कुल प्रॉपर वैक्यूम। देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। ध्वनि पानी में संचारित हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, पानी में साउंड ट्रेवल करता है, तो ध्वनि का संचरण निर्वात में तेज होता है, नहीं होता, नो, एयर वैक्यूम में साउंड का प्रेजेंस नहीं होता, और ये तो और ही ज्यादा गलत है कि तेज होता है। तो फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन एंड सेकेंड इज द रॉन्ग ऑप्शन। अब इसमें ऑप्शन चूज कीजिए आप, थर्ड लग रहा है मुझे, क्योंकि बिकॉज फर्स्ट इज द राइट बोल रहा है और सेकेंड का गलत बोल रहा है। ओके अब देखते हैं अपन 47 क्वेश्चन, सिंपल है या फिर टफ? प्लीज मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। ये जो 5-3 क्वेश्चन मैंने लिए हैं आप लोगों के लिए, जिससे आइडिया लगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं और क्या इसका लेवल है क्वेश्चंस को लेके। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, अब फिर से असर्शन रीजन आ गया, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन। देखते हैं इसका आंसर। कथन एक एंड कथन दो, सूती ऊनी वस्त्र जैव अनिमिनीकरणीय पदार्थ हैं। अब कथन 2 को पढ़ें, किन एल्यूमिनियम अन्य धातुओं मतलब मेटल्स के डिब्बे जैव अनिमिनीकरण पदार्थ हैं। अब हिंदी मीडियम वाले बच्चों को तो समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन, बट इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों की समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि अनिमिनीकरणीय पदार्थ क्या होता है। तो मैं बता देती हूँ, अनिमिनीकरणीय पदार्थ मतलब होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, जो नष्ट ना हो सके, जो क्या ना हो सके, नष्ट ना हो सके। देखते हैं इसमें ऐसी क्या चीजें जो नष्ट नहीं हो सकती है। ओके, सूती और ऊनी वस्त्र नॉन बायोडिग्रेडेबल है क्या? नष्ट नहीं हो सकते, नॉन बायोडिग्रेडेबल बताना है, बायोडिग्रेडेबल नहीं। सूती और ऊनी वस्त्र मतलब कॉटन और जो वूलन, अपने वुलन जो कपड़े होते हैं और जो कॉटन कपड़े होते हैं, वो बायोडिग्रेडेबल है, उन्हें अपन नष्ट कर सकते हैं, जला सकते हैं, बट क्या टिन एल्यूमिनियम और मेटल्स के डिब्बे जो होते हैं उनमें थोड़ा बहुत मेटल तो रह जाएगा ना, अगर आप उसे जलाएंगे पूरा, अगर जला देंगे तो राख तो बनेगा नहीं, थोड़ा सा कुछ लास्ट में ऐश सी बचेगी, थोड़ी सी छोटी ऐश बचेगी, ऐश मतलब जो राख होती है, छोटी छोटी वाली मिलेगी बिल्कुल। देखते हैं इसमें सूती और ऊनी वस्त्रों के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब कपड़े, अगर अगर अपन जला देंगे तो क्या बचेगा? नथिंग, कुछ भी नहीं बचेगा, राख हो जाएगी बिल्कुल। और टिन और एल्यूमिनियम और मेटल्स के डिब्बे को अगर अपन जलाएंगे तो उनमें से कुछ ना कुछ तो बचेगा, लास्ट में मेटल्स हैं तो कुछ ना कुछ बचेगा। अब अपन को देखना है इसमें उपरोक्त कथन में आलोक, उपरोक्त कथन के आलोक में, ऐसा ही क्वेश्चन पहले भी लिया था, आलोक में मतलब इन दोनों स्टेटमेंट को पढ़ के आपको नीचे आंसर करने हैं। नीचे
दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए, मतलब सबसे अच्छा ऑप्शन आपको चूज करना है, सबसे जो प्रिसाइज हो। इसमें ये भी है कि सबसे प्रिसाइज और परफेक्ट आंसर होना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट। हम देखते हैं क्या है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन तो अपन गलत बता रहे थे ना, क्योंकि सूनी और सूती और ऊनी वस्त्र निम्नीकरणीय पदार्थ है नहीं है, नॉन बायोडिग्रेडेबल नहीं है ना ये। एक मिनट, नॉन बायोडिग्रेडेबल पूछ रहा है ये, क्या हो सकता है इसका? इसका क्या आप कमेंट में आंसर दे सकते हैं मुझे? क्योंकि मैंने अगर आपको 46 नंबर क्वेश्चन समझा दिए हैं तो 47 वाला तो कुछ सस्पेंस होना चाहिए ना दोस्तों। तो 47 नंबर का कौन कौन स्टूडेंट देखते हैं कमेंट में सही आंसर करते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके पीछे बताऊंगी कि नॉन बायोडिग्रेडेबल और बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, और ये इस क्वेश्चन का आंसर भी मैं उसी सेशन में बताऊंगी, ठीक है? तो ये मैंने छोड़ दिया यहाँ। इट इज द टाइप ऑफ फॉम्बर, लिख देती हूँ यहाँ पर एच, एक सेकेंड इसके ऊपर डाल देती हूँ। तो प्लीज कमेंट में बताइएगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन से कथन भूकंप के लिए सत्य नहीं है? भूकंप के लिए कौन सा सत्य नहीं है देखते हैं। भूकंप पृथ्वी में अचानक उत्पन्न हुआ झटका या कंपन होता है जो कम समय तक रहता है। बिल्कुल सही बात है, फर्स्ट वाला ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अधिकतर भूकंप पृथ्वी की प्लेट्स की गति के कारण उत्पन्न होते हैं, ये भी सही है। जब पृथ्वी की जो प्लेट्स हैं थोड़ी बहुत रप्चर होती है, थोड़ी बहुत हिलती डुलती है, तो ये भूकंप आता है। अधिक विनाशकारी भूकंपों की तीव्रता रिक्टर पैमाने से, मतलब रिक्टर स्केल से 4 से अधिक होती है, बिल्कुल सही बात है। पर भूकंप की तीव्रता को भूकंप मीटर से द्वारा नापा जाता है, बिल्कुल इट इज द रॉन्ग, रॉन्ग कर दो इस पर, इट इज द रॉन्ग। अब इसमें बताया गया नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को चुनिए, तो इसमें सही उत्तर क्या चुनना था देखते हैं। भूकंप इसमें बता रहा था यहाँ, कलर चेंज कर लूँ थोड़ा सा। कौन से भूकंप के लिए सत्य नहीं है? सत्य नहीं है, तो प्लीज इन सारी कोड वर्ड्स हैं, ये जो वर्ड्स हैं उनको प्लीज आप थोड़ा अच्छे से पढ़िए एग्जाम में, क्योंकि ये सबसे ज्यादा घुमाने वाले क्वेश्चन होते हैं। ये यहाँ तक तो बिल्कुल प्रॉपर दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन भूकंप के लिए और सत्य नहीं है, और कुछ बच्चे तो इसमें सत्य हैं पढ़ लेंगे, कुछ बच्चे पढ़ लेंगे नहीं है, तो प्लीज इसको अच्छे से पढ़िए। और जहाँ भी अगर आपको नॉट ट्रू नॉट फॉल्स ऐसे कोई क्वेश्चन आ रहे हैं तो प्लीज उसे अपने साथ एक पेन ले जाइए, पेन से सर्कल कर लीजिए कि नॉट ट्रू, मतलब उसके ऊपर लिख लो फॉल्स, तो मतलब इसमें फॉल्स वाला ऑप्शन देखना है आप लोगों को सबसे पहले। तो प्लीज सत्य नहीं है या फिर गलत नहीं है, गलत है सत्य है, ये वाले ऑप्शन एनटीए इतने ज्यादा पूछता है, इनमें सबसे ज्यादा बच्चों को गलत ही क्वेश्चन होते हैं। फिर कहते हैं यार नॉट करेक्ट नहीं देख पाया, क्योंकि नॉट करेक्ट लिखा था, नॉट करेक्ट मतलब सत्य नहीं है, नॉट करेक्ट मतलब इनकरेक्ट गलत बताना है इसमें, देखते हैं। तो प्लीज मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है, बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर दिया मैंने इसको, तो प्लीज आप इसको देख लीजिएगा कि ऐसे क्वेश्चन में फंसने के पूरे पूरे चांसेस, आपको क्वेश्चन आ रहा होगा फिर घर पे आके याद आएगा ओ गॉड गलत हो गया, नॉट लिखा था मैंने, नॉट नहीं देख पाया। प्लीज ऐसे क्वेश्चन में अपने मार्क्स ना कटवाएं जिसमें वो काटना चाह रहे हैं जानबूझ। तो इसका डी वाला गलत है, तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये क्वेश्चन कहीं कहीं आंसर शीट्स में गलत दे रखा है, अगर आप किसी और की वीडियो भी देखेंगे PYQ को लेके साइंस की, तो ये वहाँ भी केवल ABC मतलब फर्स्ट ऑप्शन को टिक किया है इन लोगों ने, पता नहीं मुझे ये इन लोगों ने ऐसा टिक क्यों किया है। बट प्लीज़ आप अच्छे से पढ़िए क्वेश्चन को, अगर आपको कहीं भी डाउट लग रहा है कि ये क्वेश्चन गलत है, अगर मेरे भी चैनल पे अगर तो आपको कुछ भी डाउट लग रहा है कि ये वाला क्वेश्चन गलत है यहाँ, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि नॉर्मल ह्यूमंस हैं अपन लोग, गलतियाँ तो सबसे हो जाती हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ का एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो करें कि ना जो भी क्वेश्चन आप पढ़ें ऑप्शंस पढ़े हैं उसके नीचे अगर आपको लग रहा है थोड़ा सा भी चांस है कि भाई ये क्वेश्चन गलत हो सकता है यार, ये क्वेश्चन गलत है, तो प्लीज़ आप उस चैनल पर भी कमेंट करें। अगर इस चैनल पर भी आपको कुछ भी मिस्टेक लग रही है तो प्लीज़ यहाँ भी कमेंट करके बता दीजिएगा कि ये क्वेश्चन गलत है आपका। 49 क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य में प्रकाश और ऊष्मा निम्नलिखित प्रक्रिया से उत्पन्न होती है। सूर्य में प्रकाश मतलब प्रकाश मतलब लाइट, ऊष्मा मतलब हीट, सूर्य मतलब सन, इतना तो पता होगा इंग्लिश मीडियम वालों को, इंग्लिश मीडियम वालों को इतना भी नहीं आता कि सन में लाइट और हीट
की प्रक्रिया से, कौन सी प्रक्रिया होती है जिससे लाइट और हीट का फॉर्मेशन होता है, प्रोसेस कौन सी होती है? देखते हैं, ईंधन के उच्च तापमान पर जलने, नाभिकीय ईंधन के जलने, नाभिकीय मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस, नाभिकीय संलयन से, नाभिकीय विखंडन से। देखते हैं, सूर्य में प्रकाश और ऊष्मा, मतलब इट इज द ऑल्सो होमवर्क क्वेश्चन, ये भी आपका होमवर्क क्वेश्चन है, प्लीज इसका भी जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और किसी को भी डाउट लग रहा है या फिर किसी को नहीं आ रहा है तो प्लीज वो भी लिखिए कि कमेंट सेक्शन में हमें ये वाला समझ नहीं आया, आप अगेन समझा दीजिए तो मैं अगेन इस स्लाइड को लेके अगेन समझा दूंगा। 49 क्वेश्चन के बाद हम लोग चलते हैं 50 नंबर क्वेश्चन पर। पचास नंबर क्वेश्चन, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, प्रकाश की किरण दर्पण की सतह पर 30 डिग्री के कोण से डाली जाती है, उसका परावर्तन कोण क्या होगा? मतलब प्रकाश लाइट की एक रे है जो 30 डिग्री एंगल से डाली जा रही है, तो उसका परावर्तन कोण क्या होगा? वो भी 30 होगा। अगर इस चीज को अगर आप समझना चाहते हैं तो प्लीज नेक्स्ट सेशन का वेट कीजिए, जब मैं लाइट वाले चैप्टर के क्वेश्चंस कराऊंगी आपको या फिर लाइट वाले चैप्टर के कुछ कॉन्सेप्ट समझाऊंगी, तो प्लीज उस चीज का वेट कीजिएगा ये कैसे कैसे क्वेश्चन हुए। और आपके लिए दो क्वेश्चन होमवर्क में है बच्चों, 48 नंबर नहीं 49 नंबर और 47, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन में 47 नंबर और 49 नंबर दो क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है, 47 नंबर का 49 नंबर का, जो भी आपके आंसर है 47 ए बी सी डी, 47 इक्वल ए बी सी डी, फिर अगेन एंटर करके 49 इक्वल ए बी सी डी, जो भी आपके आंसर है प्लीज मुझे बता दीजिए कि सेशन आपको कैसा लगा और सेशन की आपको जरूरत है या नहीं ये भी बता दीजिए। और एक मैंने 2-3 दिन पहले एक पोल क्रिएट करवाया था अपने चैनल पर, कम्युनिटी चैनल, कम्युनिटी पर जाके, तो उसका भी आप रिप्लाई जरूर से जरूर दीजिए जिन लोगों ने नहीं दिया है, क्योंकि मैंने उसमें लिखा हुआ है कि हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट और कौन से सब्जेक्ट आपके वीक है, किस किस चैप्टर में कौन से सब्जेक्ट में आपको वीडियो की जरूरत है या फिर प्रैक्टिस क्वेश्चंस की जरूरत है, क्योंकि हो सकता है किसी का मैथ बहुत ज्यादा अच्छा हो सकता है आपका मैथ बहुत ज्यादा अच्छा हो सकता है किसी का एसएसटी, एसएसटी इज द मतलब ऐसा लगता है सोशल साइंस पढ़ने में बच्चों को पता नहीं क्या ही है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, सिविक्स है, पॉलिटिकल साइंस भी होती है मेरे हिसाब से, तो क्योंकि मेरी भी खुद की एसएसटी बहुत ज्यादा कमजोर रही थी बट अब तो स्ट्रांग है बच्चों, तो हो सकता है मैं एसएसटी के भी कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जैसे कि आज सुबह मैंने कमेंट पढ़ा था आपको एक जिस टाइप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ज़्यादा वो रहती है, तो मैं बताना चाहूँगी प्लीज़ इम्पोर्टेंट के पीछे ना भागें, बिकॉज इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पढ़ने के चक्कर में अपने पास टाइम इतना ज़्यादा होता है बच्चों के पास, क्या ही करना है आपको, पढ़ना है, खाना है, पीना है, सोना है, थोड़ा बहुत मस्ती मजाक कर लिया, वैसे भी मस्ती मजाक करने का टाइम नहीं है, एग्जाम बहुत करीब है, 29 सेप्टेम्बर आपकी डेट है, तो प्लीज़ आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के पीछे ना भागिए मेरे हिसाब से, क्योंकि इम्पोर्टेंट कुछ नहीं होता इम्पोर्टेंट, अगर आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे कॉलेज लेवल, यूपीएससी, यूपीएससी में कोई पूछे इम्पोर्टेंट बता दो, कैसे बता देगा कोई मेंस के लिए इम्पोर्टेंट, ऐसे नहीं होता है, तो प्लीज मुझसे ये चीज़ें ना पूछे कि इम्पोर्टेंट, क्योंकि जो चीज़ें हैं मैं बहुत इजीली वे में विद इन ट्रिक या फिर ऑप्शन एलिमिनेटेड मेथड जो मैंने एग्जाम्स में लगाए हुए हैं, तो प्लीज उस चीज का यूज करके अपन एग्जाम में क्वालिफाई हो सकते हैं, बट एग्जाम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के हिसाब से नहीं फोड़ा जा सकता। ओके और भी कुछ चीजें बतानी है मेरे को आपको, जस्ट लाइक किसी की मैथ वीक है तो उसे मैथ के सेशन चाहिए, अगर किसी का एसएसटी वीक है तो उसे एसएसटी के सेशन चाहिए, किसी बच्चे की साइंस बहुत ज्यादा अच्छी है तो उसे साइंस की रिक्वायरमेंट इतनी ज्यादा नहीं है बट उसकी जीके थोड़ी अच्छी नहीं है, मतलब जीके में उसे अच्छी मार्क्स नहीं मिल पाएंगे, लग रहा है उसे कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले कम्युनिटी चैनल पर एक पोल डाला था कि किस किस सब्जेक्ट वाइज मुझे, अगर मुझे भी पता हो कि एसएसटी में मेरे चैनल के जो विद्यार्थी हैं, जो स्टूडेंट्स हैं एसएसटी में थोड़ी ज़्यादा कमजोर है, तो मैं एसएसटी पर फोकस करने लगूँ, साइंस में अगर है तो साइंस का तो कोई दिक्कत नहीं, साइंस का अपन यूँ कर ले जाएंगे, और जनरल नॉलेज की भी मैंने एक डाला था कि ना उसमें भारत में क्या क्या है, भारत में सबसे बड़ा, सबसे लंबा, सबसे ऊंचा, ये क्वेश्चन भी आते रहे हैं, अगर आपको प्रीवियस ये क्वेश्चन मैथ के एंड एसएसटी के 2022 वाले मैथ का, एसएसटी का और जीके का भी चाहिए तो वो भी प्रोवाइड करा दूंगी मैं, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए,
और हो सकता है अगर बच्चों की रहेगी ये ख्वाहिश की लाइव आके पढ़ाएं तो लाइव आके भी पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 5 to 6 जिससे मुझे पता चलता रहेगा, मैं पूछती रहूंगी क्वेश्चन कि इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, इस क्वेश्चन का, एक इंटरेक्टिव वे हो जाएगा पढ़ने का, क्योंकि मैंने लाइव रिकॉर्डेड करके डाल दिया आपके लिए वीडियो। मुझे क्या पता कौन सा बच्चा कितनी देर तक देख रहा है, या फिर क्या क्वेश्चंस की किसने आंसर दिए भी हैं या नहीं, या फिर किसी ने कहीं से चीटिंग कर ली है। तो हो सकता है आप ये भी बता दीजिए कि आपको लाइव पढ़ने में मज़ा ज़्यादा आएगा या फिर ऐसे ही रिकॉर्डेड चलने दें अपने सेशन को। और इम्पोर्टेंट की तो बात ही मत कीजिए, क्योंकि इम्पोर्टेंट अपन लेके आएंगे एग्जाम से विद इन 2 days पहले या फिर 5 days पहले, 5 days टाइप, विद इन 5 hours कंप्लीट क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे, जो भी इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं या फिर जो मेरे हाथों से बनाए गए क्वेश्चन हैं, जो मैंने छांटे हैं क्वेश्चन, तो उस चीज़ के लिए अपन देखते हैं कि क्या हो सकता है। देखते हैं, तो आगे बनी रहिए इस चैनल पर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करें और शेयर भी कर दीजिए अपने जो भी फ्रेंड्स हैं आपके जिन्हें इस क्वेश्चन प्रैक्टिस की नीड है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।